नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन लोगों को अपना खुद का मकान नहीं खरीदना चाहिए। मैं किसी और दिन बताऊंगा कि किन लोगों को मकान खरीदना चाहिए, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ उन लोगों की कि जिनको अपना खुद का मकान, घर, फ्लैट या कोई दुकान क्यों नहीं खरीदना चाहिए। और साथ ही मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ, पूरे कैलकुलेशन के साथ कि किस प्रकार से ये जो चीज़ें आपको आगे जाके परेशान कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो कि मिडिल क्लास फैमिली में है या लोअर मिडिल क्लास में है या बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब कुल मिला के मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं या उससे नीचे बिलोंग करते हैं। उन लोगों को मकान नहीं खरीदना चाहिए अगर वो बैंक से लोन लेके मकान खरीद रहे हैं। तो बात आपको समझ में आई मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? वो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और साथ ही वो बैंक से लोन लेके मकान खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं या दुकान खरीदना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि क्यों नहीं आपने बैंक से लोन लेके मकान खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इसका क्या रीज़न है। तो सपोज़ करिए 40,000 आपकी पर मंथ सैलरी है और आप 30 लाख का कोई मकान खरीदना चाह रहे हो या कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 30 लाख जो कीमत है मकान की, उस मकान पर आपको पहले तो 10% रजिस्ट्री देनी होगी, यानी कि 3 लाख जो है उसको रजिस्ट्री देनी होगी, 3 लाख की रजिस्ट्री होगी। इसके बाद कम से कम 10% जो कीमत है मकान की कीमत है उसकी का 10% बैंक को भी देना पड़ता है, क्योंकि बैंक पूरा पूरा आपको लोन नहीं देता है, 80% या 90% ही लोन देता है। सपोज़ करिए आपको 90% का लोन मिल गया, यानी कि 10% आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो फिर ये 30 लाख जो है, 30 लाख उसका आप 10% फिर निकाल लीजिए, तो 3 लाख आपके ये वाले हो गए। 3 लाख आपको देना है रजिस्ट्री में और 3 लाख आपको देना है एडवांस जो कि बैंक को देना है, ओके। अब आप जब नया घर खरीदेंगे तो उसमें सारी चीज़ें लगाना पड़ेगी, क्योंकि वो तो एक रूम होगा, रूम टाइप का, उसमें तो कुछ है तो है नहीं, सब चीज़ें आपको अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, या फिर वो फर्नीचर हो, कुछ भी, सारी चीज़ें उसमें आपको अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी। सपोज़ करिए इन सभी चीज़ों में आपके 2 लाख रुपये खर्च हो गए, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये आपके हो गए 8 लाख रुपये, तो ये आपके 8 लाख रुपए हो गए। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खर्च अगर हो जाए तो आपको कम से कम 8 to 10 यानी कि 8 से 10 लाख रुपए आपके हाथ में चाहिए, जबकि जब आप 30 लाख रुपए का मकान खरीद पाओगे। 30 लाख का मकान खरीदने के लिए आपको केवल कम से कम 10 लाख रुपए तो आपके हाथ में चाहिए, तब जाके आप 30 लाख का मकान खरीद पाओगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम ये 30 लाख का जो मकान आप खरीद रहे हो, इस 30 लाख में से 3 लाख तो आपने दे दी है, तो अगर हम 30 लाख में से, ठीक है, अगर हम 3 लाख कम कर देते हैं तो आपके पास अब बचते हैं 27 लाख। 27 लाख का आपने लोन लिया है, ठीक है, 27 लाख का आपने लोन लिया है। अगर 27 लाख का जो लोन है वो आपने जो अभी लोन परसेंटेज चल रहा है, सपोज़ करिए 7.35 का भी फिलहाल होम लोन का चल रहा है, तो 7.3% से अगर आप 15 ईयर या 20 ईयर, दो में से कोई एक का ले सकते हैं, या तो आप 20 साल का ले सकते हैं या 15 साल का या 10 साल का। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप 20 साल का तो ले नहीं पाओगे। तो सपोज़ करते हैं हम 15 ईयर का आपने 15 ईयर के लिए लोन लिया है, तो आपकी जो किस्त है यानी जो आपकी EMI है वो कितनी बनेगी? 24,800 पर मंथ। ध्यान रखें आपने, मैंने जो जो कैलकुलेशन किया वो एक्यूरेट कैलकुलेशन है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, नेट पे जाके चेक कर सकते हो। यानी कि अगर आप 30 लाख का मकान खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले आपके हाथ में 8 से 10 लाख तो होना चाहिए, जो खर्च हो गए ही होंगे, इससे कम खर्च नहीं होंगे। आपने 30 लाख में से 3 लाख आपने दे चुके हैं बैंक को, तो आपको 27 लाख का लोन अप्रूव होगा। और 27 लाख का लोन अगर आप 15 ईयर के लिए लेते हैं तो आपकी जो किस्त है, आपकी जो EMI है वो 24,800 रुपये पर मंथ की बनेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपकी सैलरी के ऊपर। ये आपकी सैलरी है, ठीक है, ये 40,000 जो आपकी सैलरी के हैं, इसमें से आपने क्या करा कि 2,400
सॉरी 24,800 कम कर दिए, ठीक है, तो आपके पास बचा है 15,200 रुपये। ये 15,200 रुपये फ़िलहाल आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि आपको हर महीने 24,800 रुपये तो देना ही देना है। अब ये 15,200 रुपये जो बचे हैं, इसमें से आपको मान, जब आप कुछ ऐसी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीदते हो तो वहाँ पे सोसाइटी की भी कुछ फ़ीस या सोसाइटी का भी कुछ आपको अमाउंट देना रहता है। तो सपोज़ करिए कि आपको जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आपने मकान लिया है, वह सोसाइटी में आपको 1,000 से 1,200 रुपये पर मंथ सोसाइटी की फ़ीस देनी पड़ेगी, सभी जगह देनी पड़ती है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और इसमें आप लगा लीजिए कि 1,500 करीबन आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी आपको देना ही पड़ेगा, जो हर मंथ आएगा ही आएगा, इससे कम क्या आएगा, ठीक है। 1,500 आपने इलेक्ट्रिसिटी का लगा लिया, 1,000 से 1,200 रुपये आपने जो सोसाइटी की है वो लगा ली, और सपोज़ करिए 200 रुपये का आपने वाटर का यानी पानी का जो खर्च है वो लगा लिया। तो कुल मिला के ऐसा देखा जाए तो 3,000 रुपये आपके इसमें चले जाएंगे, यानी मैं अब एक मोटा मोटा आपको हिसाब बता रहा हूँ, 3,000 आपके इन चीज़ों में चले जाएंगे जो कि खर्च से अलग है। अब आपने क्या करा कि 15,200 रुपये जो आपके थे उसमें से आपने 3,000 और कम कर दिए, तो आपको 12,200 रुपये बच रहे हैं। अब इस 12,200 में आपको सारा घर का खर्च चलाना है, सारी चीज़ें इस 12,200 में ही होनी है। मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे कुछ ढंग के स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा अपन मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छे में नहीं तो थोड़े बहुत नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो 2,000 उनकी फ़ीस ज़रूर होगी, इससे कम तो आजकल फ़ीस होती नहीं है। मान लीजिए जाने आने का किराया भी उसी 2,000 में मान ले, वैसे तो वह ये बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपने बहुत ही छोटे स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो 2,000 एक बच्चे का मानते हैं, तो 4,000 दोनों बच्चों की फ़ीस चली जाती है। अगर मैं इसमें से 4,000 कम कर देता हूँ, ठीक है, तो आपके पास 8,200 रुपये बच रहे हैं। आप सपोज़ करिए क्या 8,200 में आपकी फैमिली में चार पर्सन हैं, आप हैं, आपकी मिसेस है और दो बच्चे हैं, क्या चार लोगों की फैमिली 8,000 में चला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब आप 40,000 में जो फैमिली चल रही थी, क्या अब वो आप 8,000 में चला पाएंगे? हो ही नहीं सकता। तो देखिए, अगर आपकी सैलरी 40,000 है, क्योंकि मैं मालूम है मुझे कि जो मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं उनकी सैलरी या उनकी जो फैमिली इनकम है वो 40,000 के आजूबाजू ही रहती है। मान लीजिए 50,000 आपकी है, ऐसा मान लेते हैं 50,000 है, तो उस हिसाब से आपका इधर इधर भी बनेगा, तो हो सकता है कि 50,000 में आपको 15,000 रुपये मिल जाए खर्च के लिए, तो भी 15,000 भी, 15,000 भी कम है आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली को पूरा करने में। हो ही नहीं सकता कि आप 15,000 में अपनी फैमिली चला सकें, क्योंकि आप इतनी सैलरी में से मोर देन 70% सैलरी तो आप किस में दे रहे हैं? आपकी ईएमआई में दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हैं, आपकी सैलरी 40 से 45,000 भी है, और आप अगर 30 से 35 या 25 से 30 लाख का मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो आपकी कंडीशन ये हो जाएगी आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आपको तो फिर हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट देना, कब तक देना है? 15 ईयर तक, 15 ईयर तक आपको यही इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी हर बार। और आप सोचेंगे कि यार मेरी हर साल सैलरी भी तो बढ़ जाएगी। भाई, अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ों के भाव भी तो बढ़ेंगे, आपके घर में जो खर्च होगा उसके भी तो खर्च भी तो बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि वही खर्च हमेशा, वही आज जो शक्कर जो मिल रही है वही शक्कर 15 ईयर तक वही सेम रेट पे मिलेगी, ऐसा तो है नहीं, उसके भी क्वांटिटी बढ़ेगी, उसकी भी जो रेट है वो बढ़ेगा, इसलिए उस पर मत जाइए। आपको 15 साल तक इस कंडीशन में रहना पड़ेगा, तो क्या आपको मंजूर है 15 ईयर तक इस कंडीशन में रहना? तो चलिए, ये तो हो गया कैलकुलेशन। अब मैं आपको और भी डीमेरिट्स इसके बताता हूँ, और भी नुकसान क्या हो सकते हैं वो बताता हूँ। तो जो पहला आपका नुकसान है वो ये कि आप चाहकर भी कभी, मान लीजिए 2 साल बाद 3 साल बाद आपका मन हुआ कि यार ये लोकेशन मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे कहीं और लेना चाहिए था, या मेरे बच्चों का जो कॉलेज है, अभी तक तो वो स्कूल के बाजू में आपने शायद ले लिया होगा जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अब बच्चे अब कॉलेज में चले गए, कॉलेज में आपका उनका जो कॉलेज है, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई कुछ कोई कोई कॉलेज ऐसा है जो आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, तो अब आप सोच रहे हो यार मेरा घर अगर उधर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो आप चेंज तो कर नहीं पाओगे, तो आपके बच्चे 20 किलोमीटर रोज़ जाएंगे, 20 किलोमीटर डेली रोज़ आएंगे, ये ज़्यादा प्रॉब्लम का सबब बन सकती है। लेकिन अगर आपका खुद का घर नहीं होता, आपका किराए का घर होता,
तो आप इजीली उसको कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं जब आपकी मर्जी होती है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है रिस्क, रिस्क कितनी बड़ी रिस्क हो जाएगी, कितनी बड़ी टेंशन हो जाएगी आपके लिए कि आपको हर महीने 25,000 कहीं ना कहीं से इकट्ठे करके देना ही है। इकट्ठे कर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कहीं से मांगना पड़ेगा, लेकिन आपकी सैलरी का जो 70% है वो आपके ईएमआई में चले जाएगा, तो बाकी बच्चा उससे कैसे मैनेज करेंगे यही सोचते रहोगे आप, और ये जो चिंता है आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, ठीक है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी और आपको डिसीजन लेने में, आपको जो मकान खरीदने का डिसीजन ले रहे हो उसमें कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा, जय हिंद।